सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। जानी ये चाहिए था, ये करना था, आज होगी डिटेल में बात, आज होगा भाईचारा। आपके भाई का दिल खुश हो चुका है, मैं कहता हूं जानी लवली मेरा भारत महान। अबे लड़कों क्या बात है, क्या बात है, मैं कहता हूं जानी, हालांकि पाकिस्तान अभी क्वालिफाई नहीं किया फाइनल के लिए, लेकिन भाई तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार, अबे तेरा हम मेरा हम। मैं कहता हूं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, टीम इंडिया, मेरी जिंद मेरी जान, दैट्स इट। मतलब जानी तुमने तो श्रीलंका के साथ साथ हमें भी घुमा दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि 2022 दोबारा से चल रहा है। मैंने कहा दादा ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ, जैसे विराट कोहली ने कैच छोड़ा था, आज ईशान किशन ने कैच छोड़ दिया, मैंने कहा ये मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। अच्छा पहले मुझे लग रहा था कि इंडिया ना आराम से श्रीलंका को 250-300 रन मार देगी और प्यार से जीत जाएगी, लेकिन किस्मत को ये कहां, कुदरत का निजाम, वो जो बच्चा ना इंडिया का वो विला लगे, वो साला शपाटर 20 साल का, 20 साल प्राइम एज होती है शपाटरबाजी की, इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ऊपर हुआ हुआ था, बंदे को खुद नहीं पता था मैं कब क्या कर जाऊं। अबे इतनी गंदी टर्न, इतनी गंदी टर्न, वो तो मैंने रोहित शर्मा शुभमन गिल का आउट देखा, मैंने कहा दादा ये क्या हो रहा है, वो तो जानी पागल हुए हुए थे सारे ना वहां पे, वो स्पिनर तो बच्चा बावला हुआ था, उसका दिन था विराट कोहली का। लेकिन मैं अभी भी मैं कह रहा हूं कोहली तेरी तो, कोहली का आउट देख के मुझे ऐसा लगा था दादा यहाँ पे एक्टिंग चल रही है। फिर मैंने कहा कि अगर ये एक्टिंग भी चल रही है तो अब हमें अपनी टैक्टिक्स लगानी होगी। फिर आपके भाई ने जो है ना इंडिया के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी, मैंने कहा इंडिया एक्टिंग कर रही है, यहां से हरामी बन शुरू हो चुका है। मैंने ऑस्कर वाली पोस्ट भी लगा दी क्योंकि मुझे अपनी ताकतों का पता है, मैंने पहले भी बोला हुआ है मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूं उसके लग जाते हैं तबीयत से लग जाते हैं, मुझे अपनी ताकतों पे अंदाजा है। मैंने क्या किया था, मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के पहले मैच में बोला था रोहित शर्मा विराट कोहली बहुत मारेंगे, ठक 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 यूं आउट हो गए थे सारे। अगले मैच में मैं चौड़े में मैंने कहा अपने शाहीन नसीम ये कर देंगे, कैसे इंडिया ने मारा पकड़ के। इस मैच में आपका भाई पहले इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, फिर मैंने देखा ना कि दादा बॉल टर्न हो रही है, बॉल जाना मुश्किल आ रही है, यहाँ पे लड़के जाना ये फड़क जाएंगे, तो 180 करने के वांदे थे, वो तो अक्षर पटेल ने आगे नीचे से मार दिया। मैंने कहा दादा ये जो है ना ये मसला हो रहा है, मैं अपनी टैक्टिक्स लगाई, मैंने कहा दादा श्रीलंका की सपोर्ट में मैं चला गया, श्रीलंका की सपोर्ट, मुझे पता था मैच निकल जाएगा, बस मुझे सपोर्ट देनी है श्रीलंका को एंड तक, क्योंकि ना मेरा क्या है, मैं मुझे नेचर के साथ खेलना आता है। अब दिल ही दिल में अगर मैं श्रीलंका को सपोर्ट करता ना तो इतना इंपैक्ट नहीं आता। मैंने कहा नहीं, नेचर को थोड़ा घुमाना है, नेचर को चकमा देना है, नेचर को दिखाना है कि देख मैं तो श्रीलंका के साथ हूं, मुझे तो पता है इंडिया मैच हारने के मूड में। मैंने पोस्ट भी लगाना शुरू कर दी ताकि नेचर फेसबुक का एल्गोरिदम पकड़े और नेचर बोले ओहो हो 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 अच्छा तू इंडिया के साथ नहीं है आज, अब तो मैं इंडिया को जिताऊंगी। रिजल्ट आपके सामने मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा हूं यार, मैंने देखो कैसा निकाला लड़कों को। अब मुझे विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, जद्दू से भी पूछना, अबे तुम में से किसी ने 50 क्यों नहीं मारी, अबे थोड़े रन वन कर देते ना मेरा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता। मैंने तो कहा जानी ये तो ये क्या हो गया भाईजान, ये क्या चल रहा है, मुझे पक्की उम्मीद आ गई थी कि दादा ये इंडिया जा रही है, ये इस तरह से नहीं किया। या तो तुम्हें पता था, तुमने कहा आज चलो इन लॉन्डो के साथ थोड़ा खेलते हैं, हम तो जीत ही जाएंगे, चलो थोड़ा पूरी एक कौम के साथ खेला जाए, तुमने फिर से रेसिज्म किया, तुमने फिर से हमें पकड़ के टारगेट किया और हमारी फिरकी ली, शर्म नहीं आती, ऐसे नहीं किया करो, इज्जत से मैं जीत जाया करो, या पाकिस्तान बनने की कोशिश नहीं करो, कैंड में आगे जीतेंगे नहीं, इंडिया हो इंडिया बन करो, जल्दी जल्दी खत्म किया करो। और वैसे बात बोलूं बुरा नहीं मानना, स्क्रिप्ट चल पड़ी थी तकरीबन वो अफगानिस्तान वाले मैच की, मुझे याद आ गया था, लेकिन फिर विराट कोहली को याद आया कि दादा ये क्या हो रहा है, अगर हम मैच हार गए तो हो सकता है कि मैं शादाब को फिर कभी इस एशिया कप में ना देख पाऊं, फिर तो हमारी मुलाकात डायरेक्ट वर्ल्ड कप में होगी। तो विराट कोहली ने कहा नहीं जानी ऑफ स्क्रिप्ट जाना पड़ेगा, विराट कोहली ने कहा ये करके जो उसने किया ना जो एग्रेशन था जानी, ये एग्रेशन बैट्समैन को आउट करने का नहीं था, ये थी शादाब से मिलने की उसकी जुस्तजू। प्यार की ताकत बहुत बेहतरीन होती है जानी, प्यार की ताकत बहुत ताकतवर होती है, उसमें बहुत मजबूती होती है, ये अटूट बंधन होता है जो नहीं टूट सकता। प्यार में पागल आदमी सारी दुनिया जला देता है, इस तरह से एक अंगार चाहिए प्यार का, सारी दुनिया जल जाएगी। ये था विराट कोहली का एक्सप्रेशन, ये था वो प्यार जो विराट कोहली अपने दिल में शादाब के लिए रखता है। लेकिन नहीं यार, वो श्रीलंका के बच्चे बड़े सही हैं यार, वो तकरीबन मैच लपेट के ले ही गए थे, मैं डर गया एक मोमेंट में, तो मुझे लगा जान ही गया, एशिया कप का फाइनल गया, मतलब फाइनल का चांस गया, अभी तो हमें पहुंचना बाकी है। उनका बच्चा ना वो विला लगे, यानी वो सही लड़का नहीं है, वो शपाटा रहा ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, वो मतलब यार 5 विकेटें तकरीबन 50 रन बनाने वाला था, वो खड़ा होता ये लोग मैच जीत जाते, मैं डर गया था।
मैंने कहा जानी ये गलत बात हो रही है, और इस बच्चे की स्पिन देख के ना मुझे अपना स्पिनर एक याद आ गया, वो भी ऐसे ही बैट्समैन गबरी किया करता था, उसका नाम था सईद अजमल। सईद अजमल इतने शपाटर थे अपनी जवानी में, एक दफा ना टूर हो रहा था तो मैनेजर ने सईद अजमल को कहा कि चल यार सामने वाली टीम को जो है ना डराने के लिए कुछ कर दे, और सईद अजमल की दूसरा बड़ा मशहूर थी ना कि दूसरा कोई नहीं खेल पाता, सईद अजमल ने शपाटरबाजी में बोला कि मैं तीसरा भी कराने वाला हूँ, मैं समझ में तीसरा इन्वेंट करके ला रहा हूँ, वो सामने वाली टीम की वैसी हालत खराब हो गई, इंग्लैंड थी शायद। तो सईद अजमल तो यार जानी ये देख के ना मुझे सईद अजमल याद आ गया, और मुझे बड़ी एक एहसास कमतरी हो रही है कि एक ऐसा स्पिनर अब हमारी टीम में कोई भी नहीं है, स्पिनर चाहिए जानी ऐसा चाहिए बिला लगे जैसा, नहीं तो लड़का खा जाएगा। अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि इंडिया तो चलो जीत गई, जैसे भी जीती वो जीत गई उनका वो है, अब हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे जीतेंगे, अपने पास तो स्पिन अच्छा खेलने वाले भी नहीं है, और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं करके श्रीलंका वाले बोलेंगे चल भाई यार बाबर आजम के लिए हम प्रभत जयसूर्या को किसी को बोलेंगे, अगर वो स्क्वाड में नहीं तो बोलेंगे चल यार इंजर करके ना इसको ले आता है। मुझे टेंशन हो रही है अब हम कैसे जीतेंगे, ये क्या हो रहा है भाईजान। लेकिन बात की बात बाद में देखेंगे, अभी मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, इंडिया जानी लवली। मैंने जो कुछ भी इंडिया के लिए कहा वो मैच की हद तक था, इंडिया मेरी जिंद मेरी जान, भारत माता की जय। और अदनान समी वो भी हमारा, वो तुम्हारा है लेकिन वो हमारा भी है, हम सब एक हैं, ठीक है जानी। बस ये है कि अब हम दुआ करो कि फाइनल में पहुंच जाएं, हमारी टीम फिर से चोक ना करे, और बस अब हम फाइनल में मिलेंगे, क्योंकि ये एशिया कप नहीं, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलेटरल सीरीज है। दो मैचेस हो चुके हैं, एक वॉश आउट हो गया, एक इंडिया जीत गई, अब हमें फाइनल खेलना जो कि इस ओडीआई सीरीज का तीसरा मैच होगा, ठीक है। तो अब जो ना हमें, अब हमें फोकस करने दो, आप लोग जीत इंजॉय करो, अब हमें फोकस करने दो, अब हमें टैक्टिक्स लगानी है कि श्रीलंका को कैसे हराएं।